प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के अल्पसंख्यक प्रभाग की ओर से अमावा के रुकनुपुर गांव में क्षेत्रीय अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष व विधायक शैलेश कुमार सिंह सैलू रहे। बुधवार को टोल प्लाजा के पास से सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ उनका स्थानीय नेताओं के द्वारा स्वागत किया गया, जिसके बाद उनका काफिला बचराव और महाराजगंज होते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ा। रास्ते में जगह जगह लोगों ने रोक कर मुख्य अतिथि को माला पहनाया और जमकर नारेबाजी करते हुए उनका सम्मान किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद आयोजकों ने उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने करतल ध्वनि के साथ उनका सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों का लगातार विकास कर रही है। गरीबों के लिए लगभग 150 से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। जनधन के तहत 36 करोड़ लोगों के खाते खुलवाए गए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रभाग अब्दुल कलाम अंसारी ने किया। कार्यक्रम के संयोजक व जिला अध्यक्ष करवीर सिंह व जिला महामंत्री सोनू वर्मा ने मुख्य अतिथि सहित उनके साथ आए हुए सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। हम आपको बताएं कि सोनू वर्मा के द्वारा भारी संख्या में वहां पे कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जगह जगह पर स्वागत भी किया। इस अवसर पर अवध क्षेत्र के भाजपा क्षेत्रीय मंत्री दिलीप यादव ने भी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा नेता जिला महामंत्री सोनू वर्मा ने भी लोगों को संबोधित किया और सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर प्रमुख तौर पर राम नरेश भारती, प्रदेश प्रवक्ता के सिंह कृष्णा, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रभाग रमा श्रीवास्तव, क्षेत्रीय मंत्री नीलम सिंह, दुर्गेश वाजपेयी, रामू स्वामी, आनंद मणि जुगराज, ललित भट्ट, वंदना सिंह सोलंकी, फहीम अलीम खान, राशिद खान, दुर्गेश वर्मा व व्यापारी नेता त्रिलोचन सिंह छाबड़ा समेत तमाम लोग मौजूद थे। 7 की डेस्क रिपोर्ट। रामपुर 5 जिले ऐसे थे जहाँ पे बत्ती आती थी और 75 जिलों में बत्ती नहीं आती थी, ये स्थिति उस समय थी। आज 75 जिलों में 18 घंटे गांव में और 20 घंटे तहसील मुख्यालय, 24 घंटे जिला मुख्यालय में बत्ती आती है। ये सरकार की योजना, कोई भेदभाव नहीं। हमारी किसी भी योजना में कोई भेदभाव आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो शोषित हो, वंचित हो, अगड़ा है, पिछड़ा है, मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर व्यक्ति के लिए बराबर योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई।